हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर फ्रैंकी। ये ऐसा स्नैक है जिसमें आपको कुछ अलग से हटके नहीं करना, वही रोटी और वही सब्जी को मिलाकर बनाएंगे पनीर फ्रैंकी। हम अक्सर फूड स्टॉल्स के आगे से निकलते हैं तो हमें एक अलग तरह की क्रेविंग शुरू हो जाती है, तो उसी क्रेविंग को शांत करने के लिए हम बनाने लगे हैं पनीर फ्रैंकी। इसका फ्लेवर आप हर बाइट में महसूस कर पाएंगे और आपके टेस्ट बड्स है ना, जो टेस्ट बड्स, उनको भी ये फुलफिल करता है। अक्सर माएं परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, उन्हें बाहर का खाना बहुत पसंद है। तो अगर आप बच्चों को फ्रैंकी बनाकर देंगे तो वो हंसी खुशी खा लेंगे और उसके अंदर रोटी भी होगी और सब्जी भी। तो चलिए फ्रैंकी बनाना शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रैंकी बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा गूंदना पड़ेगा। हमने इसके लिए 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें 3/4 कप आटा ऐड करा है। आप अगर चाहें तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड करा है। पहले हम इसे सूखा मिला लेंगे। इस तरह से सूखा मिलाने पर नमक आटे में इवनली स्प्रेड हो जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा या फिर सिर्फ आटा डालकर भी आटा गूंद सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। पानी एकदम से नहीं डालेंगे क्योंकि हमें आटा ना तो ज्यादा टाइट गूंदना है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट। हमें मीडियम टेक्सचर्ड का आटा इसके लिए गूंदना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। हमें मीडियम टेक्सचर्ड का सॉफ्ट आटा तैयार करना है। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर आटे को बढ़िया सा प्रेशर देकर गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से प्रेशर देकर आटे को गूंदा है। तो इस तरह से हमारा आटा बढ़िया सा तैयार होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आटा गूंद चुका है। इसे हम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम इसे बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ रहे हैं। तो जैसे कि आधा घंटा हो चुका है तो आटे को एक बार थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर से गूंद लेंगे। इससे हमारा एकदम से स्मूथ डो तैयार हो जाएगा। तो बढ़िया टेक्सचर का आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से रोटी की लोई के बराबर आटा लेकर एक गोल लोई बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने हथेलियों से घुमाते हुए अपनी लोई बना ली है। तो इसी तरह से बाकी की लोई भी तैयार कर लेंगे। अब हम एक एक करके लोई को गोल बेल लेंगे। इस तरह से घुमाते हुए गोल रोटी को बेल लेंगे। इस पर हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे बल्कि हल्के प्रेशर से ही रोटी को बेलेंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी की रोटी भी तैयार कर लेंगे। तवे को गरम कर लेंगे और उस पर रोटी को सेक लेंगे। हमें फ्रैंकी की रोटी पूरी तैयार नहीं करनी बल्कि हल्के हल्के ब्राउन धब्बे आने तक ही रोटी को सेकना है। इस तरह से हम अपनी बाकी की रोटी भी हाफ डन करके रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरह से सारी रोटी तैयार कर ली है। तो अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसे गरम कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और 1 चम्मच कसा हुआ अदरक डाल लेंगे और उन्हें 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। इस तरह से भुनने पर हरी मिर्च का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे हम पिंकिश कलर आने तक ही सौते करेंगे। तो अब बारी है मसाले ऐड करने की। हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिल्ली पेस्ट डालेंगे।
साथ ही इसमें एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप डालेंगे, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से भुनने पर उनका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे 2 मिनट सौते करने के बाद अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटो की प्यूरी डालेंगे, साथ ही इसमें 1/2 कप दही डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने से इसका बहुत ही बढ़िया टेंगी फ्लेवर आएगा। इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड करेंगे, साथ ही इसमें 2 चम्मच कटा हुआ धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। तो हमारी फ्रेंकी की फिलिंग तैयार हो चुकी है, तो फ्रेंकी बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम फ्रेंकी की चपाती को घी से कोट करके सेक लेंगे। हमने देसी घी लिया है, आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल या कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने तवे पर और रोटी पर घी लगाते हुए दोनों तरह से रोटी को पका लिया है। गैस की फ्लेम को हमने हाई मीडियम रखा है। इस तरह से पलटते हुए दोनों तरह से रोटी को पका लेंगे। तो हमारी फ्रेंकी की रोटी तैयार हो चुकी है। इस तरह से अपनी बाकी की रोटी भी तैयार कर लेंगे। इसे हल्के प्रेशर से दबाते हुए सेकेंगे। अब हम इस चपाती पर अपनी फिलिंग डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अपनी पनीर की फिलिंग को रोटी के बीचों बीच में फिल करेंगे और इस पर प्याज के बारीक कटे हुए लच्छे डालेंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इस पर चाट मसाला डालेंगे और 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। इसके ऊपर हम मेयोनीज डाल लेंगे ताकि सबको बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आए। इस पर मिंट सॉस डालेंगे और इसके ऊपर नींबू का रस डालेंगे। इसको हल्के हाथ से दबाते हुए फोल्ड कर लेंगे। इसे रोल करते हुए फॉइल में पैक कर लेंगे। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल फ्रेंकी। इसी तरह से हम अपने बाकी के फ्रेंकी रोल भी तैयार कर लेंगे। इसे भी बनाने के लिए इसे पहले की तरह रोटी में सब्जी, प्याज और मेयोनीज डालेंगे और उसी तरह से हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए रोल कर लेंगे और उसे फॉइल में रैप कर लेंगे। तो मजा लीजिए अपने हाथों से बने पनीर फ्रेंकी का। बच्चे हो या बड़े सभी इसे चटकारे लेते हुए खाएंगे। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके फ्रेंकी रोल कैसे बने हैं। अगर आप हमारी और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Thanks for watching my video.